भोजपुरी बातें सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना, और इतने सारे आपको मज़ेदार चीज़ें मिलेंगे देखने के लिए, न्यूज़ मिले सुनने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग एंजॉय करेंगे. एंड डू लाइक मी, लव मी ऑलवेज. एंड मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं बॉम्बे में रिसेंटली आई हूँ, एक दो साल हुए. एंड ये मेरी फर्स्ट मूवी है, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. इसमें मैं एक्शन सीन्स ज़्यादा कर रही हूँ एंड ये एक्शन मूवी है. इसमें एक लड़की को अपने लिए स्टैंड देती है, तो लड़के उसे छेड़ते हैं या तो अकेली लड़की को नहीं कर पाती. इस मूवी में उसे स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि वो भी लड़ सकती है लोगों से एंड वो अपनी सेफ्टी खुद रख सकती है. काम करके बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनसे. एंड हमेशा कुछ भी सेट पे वो हमेशा मुझे कोई नई चीज़ सिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो. उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मेरे को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था एंड मैं ऑडिशन के लिए गई थी. पहले मुझे 5000 में से सिलेक्ट किया गया था, पवन सर ने सिलेक्ट किया था. एंड फिर मैं ऑडिशन के लिए गई तो उन्होंने सिलेक्ट किया. सो बहुत ज़्यादा प्यार मिले. 24 सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सेट पे ध्यान रखते हैं सबका. 24 सर के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी. पवन जी के साथ आपने इतना दिन काम किया, क्या सीखा आपने, कुछ शेयर करेंगे? हाँ, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, लाइक एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं. कई चीज़ें मुझे नॉलेज नहीं थी कि डायलॉग्स डिलीवरी, काफ़ी चीज़ें जो सर ने मुझे बताई हैं कि उन्होंने अर्शिया यहाँ पे पॉज लो तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ज़्यादा लो, थोड़ा केमिस्ट्री ज़्यादा होना चाहिए, सब चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया. एंड या अच्छा, आप चंडीगढ़ से हैं, लैंग्वेज में बहुत मेहनत की है, मुझे भोजपुरी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है. एंड मैंने काफ़ी मेहनत की है, डायलॉग्स याद किए हैं एंड फिर उसके बाद बोले हैं. एंड तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड भोजपुरी मूवी फर्स्ट मूवी होने वाली है मेरी, एक्शन मूवी होने वाली है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आनंद जी कुछ पूछेंगे? मुझे उनके बारे में नहीं पता था सच बताऊं तो. जब मैंने ऑडिशन के लिए जब मुझे बोला गया कि ऐसे ऐसे करके पवन सिंह जी का एक गाना बहुत फेमस है लॉलीपॉप, मैं पहले सुना करती थी मेरे भाई के साथ बहुत ज़्यादा, हम सुनते थे मस्ती करते थे उस गाने पे. बट जब मुझे पता चला ये गाना उनका ही है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि उनके साथ मुझे मूवी करने का मौका मिल रहा है. एंड मैंने काफ़ी डांस किया इस गाने पे, मैंने बहुत मस्ती की है चंडीगढ़ में, आवाज़ फुल करके मैं और मेरा भाई बहुत मस्ती करते थे इस गाने पे. इसका रीमेक भी है एंड उस पर भी बहुत ज़्यादा मस्ती की है. ये गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, जैसे सबको पता है वर्ल्ड वाइज बहुत पॉपुलर है एंड सर बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं. तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनका लॉलीपॉप गाना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग मस्ती करते हुए. फर्स्ट रिएक्शन मेरा यही था कि लाइक सर ने मुझसे बहुत प्यार से बात की थी एंड मैं थोड़ा नर्वस थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या बात होंगी. मेरी मॉम मेरे साथ ही थे एंड सर ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, हमें बहुत अच्छे से बात की, बहुत कंफर्टेबल फील करवाया कि इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, जस्ट बी कूल, इट्स ओके. सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सर को फर्स्ट टाइम जब मैं मिली. मुझे तो बिल्कुल ऐसा फीलिंग हुआ कि सर बिल्कुल भी सख्त मिजाज के, मेरे साथ उनका एक बहुत अलग चीज़ रही है एंड मैं और सर बहुत अच्छे से, हम लोग सेट पे भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं. मेरे सामने उन्होंने गुस्सा नहीं किया है तो मेरे हिसाब से तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. फ्यूचर प्लान्स, अभी आई एम डूइंग वन साउथ मूवी, सो बाकी मैं इवेंट्स मेरे ओरिजिनल सॉन्ग्स आ रहे हैं पंजाबी एंड हिंदी में. सो यस, आई एम वर्किंग ऑन माय एल्बम. सो ज़्यादा मेरा फोकस सिंगिंग में भी है तो मैं एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी करती हूँ. तो या
लॉलीपॉप ला गए थोड़ा सा, बिल्कुल एक लाइन ही गाऊंगी। कमरिया कमरिया लॉली लप्पा लॉप लॉली पॉप लागेलू। सॉरी मैं ज़्यादा नहीं गा पा रही। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.